हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही हूँ राखी की शॉपिंग करने, और आई गेस पीछे से लोग मुझे हॉर्न दे रहे हैं, तो मुझे निकलना चाहिए क्योंकि मैं घर से नीचे उतरती ना अपने ब्लॉग्स बनाने लग गई हूँ। चलो यार मैं चलती हूँ। खुश से ये हूँ मैं, और मैं फक यार मुझसे ना कैमरा होल्ड हो ही नहीं सकता ये शूट करते हुए। वेट करती हूँ मैं बातें। लोगों की जान पहले ही ना ज्यादा प्यारी है, तो लड़की ड्राइव करती है ना तो लोगों की थोड़ी और फटती है कि कौन ड्राइव कर रहा है ये। बाकी मैं जा रही हूँ अभी, जो मुझे शूज मिले थे उसको वापस करने जा रही हूँ। उसके घर के इधर उधर ही हूँ, वापस करने के बाद मिलती हूँ भाई। ये उसके शूज जो मुझे वापस करने हैं। सो सामान कर दिया है वापस। योर सिस्टर हाय। तो यार आज ना मेरे जैसे तुम लोगों को पता है टैटू है ही, तो मुझे ना दूसरा टैटू करवाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं दूसरा टैटू मुझे करवाऊं नहीं करवाऊं। और मम्मी पापा ने तो बोला तू एक टैटू करवा कर ना, हमने तेरे मुंह पे लाल लाल टैटू बना दिए। तो वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। आके दिखा तो दे। ओके, ये मेरा छोटा सा रसगुल्ला, तो ये मुझसे 5 साल छोटी है, और हम दोनों में बहुत लाइक जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लड़की है और मैं इसके थोड़ा अपोजिट हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई में भी अच्छी है और मैं नॉट सो गुड। और मतलब ये सबकी बहुत बातें मानती है और मैं उल्टा उल्टा चलती हूँ सबसे। और जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, ये टॉकेटिव नहीं है। अगर जिसको नहीं, इसको नहीं बात करनी, इसकी लाइफ में बहुत यार ग्रीन लाइट हो गई। चलो मैं तुम लोगों से मार्केट में जाके मिलती हूँ। तो यार अब मैं आ चुकी हूँ इधर मार्केट में, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि मैं टैटू करवाऊं कि नहीं करवाऊं। अब चल के देखते हैं, बता करवाऊं कि नहीं करवाऊं। करवा सकते हो, करवा सकते हो। और जो मम्मी पापा ने बोला उसका क्या? वो फिर रिस्क लेने वाली बात है। मतलब अगर तुम चाहते हो कि मम्मी पापा का रिएक्शन भी रिकॉर्ड करूं, सो कॉमेंट कर देना, क्योंकि यार आई थिंक मैं जाऊंगी तो सही देखो टैटू स्टूडियो, और मुझे अगर बहुत ज्यादा मन करा मैं बनवा लूंगी। पर मैं अभी तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ बनवा रही हूँ, तुम अपने आगे वाली व्लॉग में तुम देखोगे, ठीक है? बाकी मैं आई तो वैसे बेसिकली इधर राखी शॉपिंग करने हूँ, सो राखी शॉपिंग तो देख कर ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही। और मुझे एक जगह मेरा प्लान बना हुआ है, तो मुझे बेसिकली उसकी शॉपिंग करनी है। तो जैसा होगा आई लेट यू नो वीडियो के साथ साथ। बाय। तो मैं आ गई अपने शूज लेने के लिए, तो मैं सीधे से मैं पता कर रही हूँ। इधर बहुत ज़्यादा शोर है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू ब्लॉग। अब जैसा होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और ये दो सूट्स ले लिए हैं इस शॉप से, और मैं बड़ा कंफ्यूज थी दो चीज़ों में, तो मैंने दोनों ले लिए, और मैं अलग ट्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो अब मैं इसको लेने के बाद मिलती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने शूज़ लिए हैं, और राखी के लिए शूट और नॉर्मल बेसिस के लिए सूट लेना है। तो ये लड़की आ गई इधर सोनी बिक्स पे खाना खाने के लिए, और हम लोग यहीं पे बैठ गए हैं। सो हमारी शॉपिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जैसे तुम लोगों को पता था मुझे टैटू करवाना था, और टैटू हो ही नहीं पाया है। सो मैंने 2-3 जगह से पता करा, वहाँ पे टैटू आर्टिस्ट ही नहीं थे, वहाँ पे सारे नेल एक्सटेंशन एंड आई एक्सटेंशन वाले थे। सो मैं अभी जाके नीचे जाके पहले मैंने 2 सूट्स लिए हैं, वो लेकर मैं टैटू आर्टिस्ट के लिए पता करूँगी। डिसाइड नहीं कर पा रहे अभी तक हमें खाना क्या है। अब तू बता क्या खाएंगे? हम लेते पाव भाजी, मैक्सिकन सैंडविच ओरियो चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफी, और खाने में नहीं है, सब पीने बताई जा रही है आगे। ओके, और हम लेते हैं पनीर चिकन सैंडविच, मंचूरियन वाला टाइम नहीं हुआ अभी, ये बहुत मोमोज मुझे पता नहीं आ रही कैसे, हर जगह के मोमोज अच्छे भी नहीं होते। गोलगप्पे मुझे ऐसी जगहों पे पसंद नहीं है। ओके, पनीर का। 2 hours later डिनर करने आए हैं तो साथ जा पनीर का नहीं आए। चुका है हमारे ये शेक्स, पिज्जा और पाव भाजी। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि तू तो सारा एंड का खा जाती है, ये मेरी गलती नहीं है, मेरे घर वाले ही ऐसे हैं। ये देख लो, ब्लड एकदम सेम है हम दोनों का, ये भी लास्ट का खाने में लगी पड़ी है बस। हेलो, तो हम लोग
हम आ चुके हैं टैटू बनवाने के लिए फाइनली। अब देखते हैं वो बंदा आता है बनाता है या नहीं बनाता। और हम लोगों ने तो एक्चुअली खा लिया है, मैंने इसकी वजह से जल्दी खाया है, मैंने टैटू पहले नहीं बनवाया क्योंकि इसको भूख लगी है। सो मैडम को लग चुकी है अब दोबारा से प्यास, तो हम वापस से इन्होंने अपनी जैसे फिगर को मेंटेन करवाना, उसके पीछे राज है कि ये अपने बॉडी को कुछ ना कुछ देती रहती है बार बार, तो इसको भी वेट गेन करना है। आप वो मेरी डाइट फॉलो कर सकते सो बस इसने कॉफी पी और मैं भाई चाय, आई एम ब्लडी चाय लवर, तो मैं बस अभी अपनी चाय पीऊंगी और उसके बाद घर चले जाएंगे हम लोग। हाँ घर ही जाना है ना उसके बाद, पक्का ना घर जाना है तो, क्योंकि मुझे बोल रही थी मुझे घुमा तू। सो यार आज इतना डर लग रहा है ना, हम जहाँ पे टैटू बनवाने, अरे टैटू की स्टोरी सुनो। हुआ क्या कि मैं टैटू बनवाने गई भाई, वहां पे पुलिस वाले आ गए बहुत सारे मास्क के चलान वहां पे टैटू वाले, मेरी चाय आ गई, देखो कुल्लड़ वाले कप में आई है, दिखाती हूँ तुम लोगों को पहले मैं। सो मैं चाय पीऊंगी। हाँ तो टैटू का क्या हुआ कि मैं टैटू बनवाने के लिए गई, वहां पे पुलिस वाले आ गए, वहां पे मास्क के लिए बोलने लग गए भाई, मैंने मास्क जल्दी ऐसे करके मैंने लगा लिया। फिर उसके बाद मास्क के लिए बोला, सो पूरे स्टूडियो को बोलने लग गए आपने मास्क क्यों लगाया, वो चलान पे करो 9,000 का पता नहीं कितने का स्टूडियो का, जो भी चलान वलान काट रहे थे। हमने कहा यार, फिर वहां पे मेरी टैटू आर्टिस्ट से बात हुई, उसने मुझे बोला कि मैम आप मेरे स्टूडियो में आ जाना, ये वो ये वो ये वो टैटू मेरे को बोला है 8,000 समथिंग कुछ का बनेगा, क्योंकि वो टैटू थोड़ा बड़ा है। तो मैंने देखा है, मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करती हूँ आकर, क्योंकि रात हो चुकी थी, 9 बज चुके थे, तो 9 बजे तो मैं क्या ही, 9 बजे कह रहा था मैम देखो पूरे बॉडी पर रहने वाली चीज है वो, मैं ना काफी बड़ा टैटू सोच रही हूँ, वो आप लोग गेस करो कि वो टैटू कहाँ पर होगा, और फिर आप नेक्स्ट डे आना। मैंने कहा भैया नेक्स्ट डे तो मतलब कार बंद ऐसे जाती है, मेरे कार की बैटरी देख जैसे कि दोनों चीज चली हुई है ना, तो बेसिकली मैंने बोला कि पूरे टाइम आपके बॉडी पे रहेगा तो आप बाद में कराना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बाद में करा लूंगी। फिर मैं कल, उन्होंने मुझे बोला मैम आप सुबह आना, क्योंकि ये टैटू ये परमानेंट वाली चीज है, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा अच्छा सा ढूंढ के रखूंगा। पर मैंने एक चीज सोची है, वो तो वैसे ही बनाएंगे क्योंकि मैंने मेरे माइंड में है एक चीज, वो आप लोग गेस करो कि वो कौन सी चीज हो सकती है। ठीक है तो पकती नहीं है मेरे साथ में, नहीं आदत हो गई है बोलती हूँ ना मैं बहुत, हम लोग बहुत डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कैसा सन्नाटा सा बड़ा हुआ था, ये वाली साइड हमेशा बोलती रहती है, ये डिफरेंस है हमारे घर में भी कि ये बेचारी चुप और मैं पूरे घर में शोर मचा के रखती हूँ। घर की रौनक हो आप हमारे, घर की रौनक नहीं, पापा क्या बोलते टेंशन सही में घर में रहते ना तो सबका हेडेक रहता है पूरे दिन। छुपाना पड़ रहा है मुझे अपने दर्द इनके साथ रहने का, और मैंने जो अपने साथ में रह के इतना खुश रखा है, इतनी सारी चीजें खिलाई है इसने, लिया कुछ नहीं, जितना खिलाया ना उसे डबल वॉक करवाई है, जितने कैलोरीज कराई है इतनी बर्न भी करवा दी है उन्होंने मेरी। यार मैंने बर्न, देखो यार शॉपिंग में हर एक लड़की को टाइम लगता है, अब मेरे पास, अब मैं सिंगल हूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे दोस्त या मेरे बहन, बहन या भाई वो जो भी हो सकता है, सिंगल लोगों के बैग उठाने वाले वो खुद होते हैं और उनके साथ में जो लोग होते हैं वो होते हैं, उनको उनका अदरवाइज उनके साथ कौन होता है। तो काफी केयरिंग है मेरे लिए, तो मतलब बेबी सिटिंग करते रहते हैं, हाथ पकड़ के घूमना ये सब करना, मैं केयरिंग तो मैं केयरिंग हर किसी को लेकर हूँ बेसिकली, दिस इज माई नेचर जो मेरे साथ। सच्ची बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है किसी और के लिए, मतलब घर वाले के लिए से दैट्स इट, फैमिली के लिए, घर वाले तो फिर वो अलग बात है ना, घर वाले तो भाई अलग, फ्रेंड्स के लिए भी नहीं है तू इतना, फ्रेंड्स के लिए भी हूँ मैं इतना इतना नहीं, मैंने देखो मनाली में खाली अकेला छोड़ दिया था ना, बस वो मनाली ट्रिप मत याद दिलाओ, यार हम लोग मतलब हम लोग मनाली गए थे और मनाली में जाके बिचारी को पता ही नहीं था, मैं अपनी दोस्त के साथ ना बिजी हो गई थी। मनाली ट्रिप ना मुझे लगा था काफी एक्साइटिंग होगी, मैं सिस्टर के साथ जा रही हूँ अपनी, काफी ज्यादा एक्साइटिंग, बट 1% एक्साइटिंग नहीं थी मेरी, और ये बिचारी रोई थी लास्ट डे, मुझे घर जाने इसने भाव नहीं दिए पूरे रास्ते, मुझे ऐसे लग रहा है मैं अकेले आई हूँ, ऐसे ऐसे सोलो ट्रिप पर हूँ मैं, इतना बुरा लगा यार मेरे को लास्ट दिन होश आया कि शिट यार, इसे लास्ट दिन उन्होंने ध्यान दिया मुझ पर, बट जब हम जाने वाले थे
क्योंकि जब ये रो चुकी थी मेरे को लगा यार हाँ यार गलती हो गई, मैं अपने दोस्त के साथ जाके इतना ज्यादा वो हो चुकी थी ना कि मैं खो चुकी थी पहाड़ों के अंदर, एक पहाड़ के अंदर बस दो जने पागल हो चुके थे सही में। तो बस वही चीज हुई थी, पहाड़ों के अंदर रूम्स के अंदर रहते थे तब भी हम लोग अपना मजे होते, सारा ग्रुप में होते थे तो ग्रुप में इसको क्या ही पता करती, तो ग्रुप में बस मेरा नेचर ऐसे आउच मेरे पेट में दर्द हो रहा है और खा लो थोड़ा इतना खाकर भी अगर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने लिटरली जब मैं ऑर्डर करा था आपने देखा होगा वो सब कुछ इन्होंने खाया अकेले, लास्ट वाली चीजें मैं चाट रहा था यार। पांच मिनट से बोले जा रहे हो, मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी के मिलती हूँ, बाय बाय। तो यार जो चाय का स्पॉट है ना वो ये रहा, चाय कुछ दिखती है ऐसी यहाँ की ना चाय बहुत अच्छी है, तो अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो ये है पश्चिम विहार में दून पब्लिक स्कूल के बाहर B2 ब्लॉक के बाहर, हाँ अपोजिट टू W का शोरूम है सामने। अब मैं पी लेती हूँ ठीक है भाई। तो मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मैंने पूरा घर आती इतना मेस कर दिया, मैं नाइट सूट भी लेकर आई थी और होपफुली तो क्या टैटू नहीं हो पाया। मम्मी का रिएक्शन, मम्मी एक मिनट इधर आना, टैटू बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं, क्यों ना बनवाऊं, ऑलरेडी पहले बना हुआ है, ऑलरेडी तो बना हुआ है ठीक है, बट मुझे एक और बनवाना है। नहीं बेटा, तो आप पापा मुझे बोल के गए थे कि तू टैटू बनवा, तेरे मुंह पे ना मैं रेड कलर का टैटू दे दूंगा। पापा मेरे को मारपीट की धमकी दे के गए हैं। सही हो सकती है, पिट सकती हूँ मैं। मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, मतलब ये तो ऑन है कैमरा इसलिए इतनी प्यार से बात कर रही है, अदरवाइज तो जब गुस्से में होती हो ना भाई, मेरे को तो क्या, अगर बाहर वाले ही बचाने आ जाए ना तो बाहर वालों को भी कोई नहीं बचा सकता फिर, सही बता रही हूँ मैं। सो बेसिकली यार मैं बनवाऊंगी तो सही में टैटू, मैं बनवाऊंगी और सरप्राइज दूंगी मम्मी को। घर से बाहर निकाल दोगी तो बता देना, कोई मुझे घर पे रखना चाहता है तो मैं शादी कह रही हूँ, शादी कर दूंगी। कि मम्मी कहती है ऐसे ना टैटू बाजों से कोई शादी वादी नहीं करता, मैं मम्मी यार ना करे सानू की, तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली की फिर पहन दे। मम्मी कहती तेरी शादी करा दूंगी, तू एक टैटू बनवा, तो एक टैटू बनवाने के ऊपर मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, अब तुम देख लो सब बाकी। सो आप लोग बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टा लिंक मेरी बायो के अंदर है ठीक है, तो उसको उस पे से सीधा इंस्टा मेरा खुल जाएगा, जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।